वेलकम बैक टू द रिएक्शनिस्ट गाइस, दिस इज वेदांत, दिस इज प्रभास। गाइस, दो दिन दो बड़े बड़े ट्रेलर गाइस लॉन्च हो रहे हैं। कल विक्रम वेदा के ट्रेलर के ऊपर गाइस हम लोगों ने रिएक्ट किया और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं थैंक गॉड के ट्रेलर के ऊपर। गाइस, थैंक गॉड ट्रेलर क्या है? अपकमिंग अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रघुप्रीत की अपकमिंग मूवी है गाइस, जो डायरेक्टेड बाय इंद्र कुमार। और इंद्र कुमार गाइस जब कोई मूवी डायरेक्ट करते हैं तो स्पेशली वो कॉमेडी मूवी होती है और वो काफी अच्छी होती है। और लास्ट कोलैबोरेशन विद अजय देवगन वाज नॉट दैट गुड। उन्होंने टोटल धमाल की थी। पहली दो जो मूवी थी धमाल एंड डबल धमाल, उसके कंपैरिजन में ये मूवी उतनी एंटरटेनिंग नहीं लगी हमें। Absolutely. पर इस मूवी से गाइस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मूवी अच्छी होने वाली है। और अजय देवगन का एक लुक भी मैंने देखा था, he's looking good. Yeah. तो without wasting any time, let's get into the trailer right now. पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में और डिस्कस करेंगे आप लोगों से। So, let's get into it right now. मैं आज शाम को पीओ की पीटी मीटिंग में गया हूँ। कभी तो समझा करो यार। मनी के मगे हैं वो गाना, म्यूजिक चल रहा है। क्या हो गया? मर गया क्या? लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम माय आन कपूर। ये हो क्या रहा है? कौन हो तुम लोग? जय है भाईडी यमदूत, मैं हूँ चित्रगुप्त और मेरा काम है लोगों के पाप और पुण्य का हिसाब करना। इसका मतलब मर गया? ना तो तुम मरे हो ना जिंदा हो, बीच में कहीं लटके हो। हम तुम्हारे साथ एक गेम खेलेंगे। गेम? कौन सा गेम? द गेम ऑफ लाइफ। अच्छा, तुम्हारी गाड़ी वीकनेस, तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो किसकी गाड़ी तोड़ रहे हो? ये गाड़ी तुम्हारी नहीं, हम तो ओला से आए थे। कीकू, कीकू, सीढ़ी से जावे। जेलसी, तुम्हारी दूसरी वीकनेस जेलसी, तुम अपनी बीवी से जलते हो। आई एम क्राइम ब्रांच में तुम्हें बताए बिना अप्लाई कर दिया था। आई गेस व्हाट आई क्लियर्ड इट। नो नो, मेरे पास ना मौका है। तो मेरे जख्मों पे तो छिड़क ही देना। तो अगर मुझे मौका मिलता, अरे सिंगम होता मैं। सिंगम 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 मेरा गला काट के मुझे खत्म कर। ठीक है, तुम्हें नहीं हर भाग में होती है लस्ट, बस काम काम। पराई औरत को बहन और माँ की नजर से देखना चाहिए। तुम जानते हो इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम भगवान में तो मानते हो लेकिन भगवान की एक नहीं मानते। कुछ प्राणी चलेगा या नर प्राणी चलेगा, बोल। चलो तुम्हारा मुंह ठीक करने के लिए एक जोक सुनाता हूँ। शोभा सिर्फ लड़कों को गाली क्यों देती है? क्यों? क्योंकि लड़कियों को गाली शोभा नहीं देती। वो एक्सप्रेशन काफी अच्छा था। ये गाना क्यों चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये गाना इसे ऐसे यूज किया गया? 25th अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। ओके गाइस, सो वी जस्ट वॉच्ड द ट्रेलर फॉर द मूवी थैंक गॉड। मुझे क्लियरली ये लग रहा है कि इंद्र कुमार जी ने एक फैमिली एंटरटेनर बनाया है, जैसे कि वो हर मूवी होती है। हर मूवी होती है ऑब्वियसली, और कॉमेडी अपनी जगह पे है, वो कॉमेडी का एसेंस है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि भयंकर कुछ ऐसा कॉमेडी बोल दिया या फिर ऐसा कोई सीन दिखा दिया कि हम लोट पोट हो जाएंगे हंसी में। ऐसी कोई बात है नहीं, बट एकदम आउट ऑफ द बॉक्स भी हो सकती है थोड़ी बहुत। क्योंकि देखिए, पहली बात यह है कि इसका जो कॉन्टेंट है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है और इसका जो थीम है वो बहुत मैच करता है काफी मूवीज से और काफी पुराना भी है गाइस। और बॉलीवुड में ये रीयूज्ड हो चुका है कई बार, बहुत बार हो चुका है। और
जितेंद्र की लोक पर लोक और गॉड टू सी ग्रेट, सलमान खान की गॉड टू सी ग्रेट हो या फिर और भी कई सारी मूवीज है गाइस। ऐसे अगर इंग्लिश मूवी देखने जाए तो गॉड टू सी ग्रेट हो जो रीमेक थी हॉलीवुड मूवी की ब्रूस अलमाइटी जिम कैरी स्टारिंग, तो वो भी ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर थी। और वेंकटेश दगोपति की एक मूवी गाइस आई थी अनाड़ी मूवी के बाद, वो तकदीर वाला, जो चली नहीं था आजकल, वो हम सेट मैक्स में या फिर दूसरे स्टार गोल्ड में देखते रहते हैं। उसमें कादर खान, अनुपम खेर, असरानी, वो चित्रविक का रोल प्ले कर रहे थे। एग्जैक्टली, रवीना टंडन भी है। सो ओवरऑल ये मूवी उतनी खराब नहीं है, बिल्कुल खराब नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि इंद्र कुमार जी की कॉमेडी बहुत अच्छी होती है और यू नो वो स्लैपस्टिक कॉमेडी होती है और वो इंस्टेंटली फनी होती है। यू नो आपको ऐसा नहीं कि ऐसा बिल्डअप क्रिएट करके जब आपको हंसना होगा तब हंसी नहीं आएगी। इट इज रियली यू नो इंद्र कुमार जी की मूवी कॉमेडीज बहुत बढ़िया होती है और यहाँ पे उसी लेवल का किया है। मैं इस मूवी को किसी तरीके से धमाल, मस्ती और डबल धमाल इन मूवीज के कैटेगरी से मैं नहीं हटाऊंगा, ये सेम कैटेगरीज में ये मूवी पड़ती है। और ओवरऑल देखें, अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा की अगर कोशिश देखें टू डू कॉमेडी, इज ट्राइंग, मैं नहीं कह सकता कि वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन अजय देवगन इज देयर, अजय देवगन है उनमें वो कॉमिक टाइमिंग है, उनका पर्सनल एक यू नो एक वे ऑफ स्पीकिंग और द वे ऑफ टॉकिंग है जो बहुत अच्छा सूट करता है इंद्र कुमार जी के कॉमेडी में। सो इट इज देयर, इट इज एविडेंट। और गाइस एक अजीब बात है बॉलीवुड में कि लगभग कई सालों से हम कई सारी कॉमेडी मूवीज हम लगातार देख रहे थे, पर एक अजीब चीज हो रही है कि 2 साल हो गए कोई अच्छी कॉमेडी मूवी नहीं आई, मतलब मल्टी स्टारर बड़ी बजट की कोई कॉमेडी मूवी। लास्ट हमने ऐसे टोटल धमाल को भी कह सकते हैं या फिर हाउसफुल 4, उसके बाद से कोई अच्छी कॉमेडी मूवी नहीं आई। तो ये एक एग्जैक्ट टाइम है बॉलीवुड के लिए कि एक अच्छा कॉमेडी मूवी आए, उससे भी ये मूवी अच्छे बिजनेस कर सकती है। जो बॉलीवुड की जो हालत है इसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये मूवी गाइस बिजनेस करेगी, क्योंकि गाइस ये मूवी जब रिलीज होने वाली है ये जो दौरान है ये काफी अच्छा है, क्योंकि अब बहुत सारे अलग अलग मूवी हमें देखने को मिलेंगे। ब्रह्मास्त्र रिलीज हो रहा है, आज ब्रह्मास्त्र रिलीज हो रही है, उसके बाद विक्रम, वेदा और कई सारी मूवीज आ रही है गाइस। और इस बीच में लाइनअप बहुत बड़ी है, बहुत ह्यूज लाइनअप है एज ऑफ नाउ। ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि मुझे ये थोड़ा सा वियर्ड लगा कि ऐसे स्टेज पे जाके सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ऐसे स्क्रिप्ट को क्यों चुना, या फिर मैं नहीं कह रहा कि ये प्रोडक्शन हाउस बहुत छोटी है या फिर एवरेज सी है, लेकिन जो सिद्धार्थ मल्होत्रा को शेरशाह के बाद उनका जो ब्रांड है वो काफी बढ़ गया था, बहुत बड़ा हो गया था, तो इस लेवल की मूवी एक्सपेक्टेशन काफी बड़ी है सिद्धार्थ मल्होत्रा से आफ्टर शेरशाह सक्सेस। पर मैं ये नहीं कहता कि आपको हर वक्त कोई एक्शन मूवी या फिर ऐसा ही कुछ करना, मतलब डार्क रोल ही करना पड़ेगा। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और लास्ट मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट मैंने हसी तो फसी के साथ भी देखा था, लेकिन हाँ हसी तो फसी लाइक वो सिचुएशनल कॉमेडी है और यहाँ पे बता यहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा ये मूवी अभी क्यों कर रहे हैं, जैसे प्रभास ने कहा कि हैज ऑलरेडी क्रिएटेड अ ब्रांड एंड इट इज विजिबल, ऐसी जगह पे है कि अगर ये मूवी खुदा ना खासा अगर ये फ्लॉप हो जाए तो अगेन उनके करियर पे एक प्रोफाइल में अजीब सा एक वो स्टेज आ जाएगा जहाँ जाके वो फिर से नीचे गिर जाएंगे। क्योंकि गाइस के मैंने सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक मूवी आ रही थी वो योद्धा नाम की, उनकी एक मूवी मैंने मोशन पोस्टर देखी थी उनकी, उसमें वो प्लेन हाईजैक ऐसा कुछ दिखाया जा रहा था, उनमें वो एक स्पेशल फोर्स के ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं शायद, ऐसा कुछ मैंने मोशन पोस्टर देखा था। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट मूवी टू बी रिलीज इन दिस टाइम और मैं उसके लिए ज्यादा वेट कर रहा था, पर थैंक गॉड के बारे में अगर बात करें तो गाइस कॉन्सेप्ट काफी पुराना है और ऐसे कॉन्सेप्ट कभी कभी चल भी जाते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि आजकल कॉमेडी मूवी नहीं रिलीज हो रही है कोई भी बॉलीवुड में, राइट, तो ऐसा हो सकता है कि ये मूवी बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाए, एक रिफ्रेशिंग चेंज होगा या थिएटर्स में आजकल तो काफी ज्यादा यू नो अगर कोई मूवी के टिकट्स बिक जाए तो लोगों को लगता है यार बच गए, प्रोड्यूसर को लगता है यार बॉयकॉट नहीं हुआ। सो बॉयकॉट सिचुएशन में जाके आई डोंट नो अगर यहाँ पे अगर भगवान करे कुछ गलत ना दिखाया जाए या फिर किसी को गलत कुछ ना लगे तो ये मूवी सेफली रिलीज हो जाएगी और मुझे लगता है कि ये एवरेज बिजनेस कर लेगी। लेकिन जो स्टार कास्ट है, जो स्टार पावर है,
सिद्धार्थ मल्होत्रा और अजय देवगन की उसके लेवल की मूवी नहीं है, लेकिन फिर भी जो बिजनेस होना चाहिए आई एम श्योर ये बिजनेस हो जाएगी। सो जाके जरा सा इसके कास्ट और क्रू के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट आउट हियर अपार्ट फ्रॉम द एंटायर स्टार कास्ट ऑफ रकुल प्रीत, अजय देवगन एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा। सो इस मूवी को जैसे हम लोगों को पता है कि इंद्र कुमार जी ने डायरेक्ट किया है और उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है, और म्यूजिक म्यूजिक के बारे में जो मनी के मांगे ही थे जो ट्रेलर में वो म्यूजिक साइड में गाइस बैकग्राउंड में हो रहा था, तो हम दोनों ये सोच रहे थे कि ये म्यूजिक अचानक यहाँ पे कौन से गाने के साथ उसे रियूज किया जा रहा है उस टून को। सो तो यहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर है तनिष बागची, रोचक कोहली, आनंद राज आनंद, ही इज कमिंग बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई लव हिम एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, ही इज अ वेरी गुड म्यूजिक डायरेक्टर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट चमक संगीत, व्हिच कंफर्म्स चमक संगीत इज बेसिकली द म्यूजिक डायरेक्टर फॉर दिस सॉन्ग कॉल्ड मनी के मगी गीते। सो इसका मतलब ये गाना इस मूवी में है, इट इज 100% श्योर। लिरिक्स दिया है मनोज मुंतशिर, रश्मि विराग, समीर दुलानी आरएक्स एंड मेलोडी। वाह। और जैसे हम लोगों ने बताया ये मूवी जाके रिलीज होने वाली है ऑन 25th अक्टूबर टू योर नियरेस्ट थिएटर्स। सो जाइए इस मूवी को देखिए, आई एम श्योर ये मूवी वन टाइम वॉच होने वाली होगी एंड यू विल लाइक इट, क्योंकि एक ना एक होता है ना गाइस कि एक वक्त फैमिली के साथ कुछ एक एंटरटेनिंग मूवी विदाउट एनी टेंशन विदाउट एनी कुछ भी आप देखना चाहेंगे कि ऐसी एक मूवी आए कि हम सब मिलके एक साथ देख सकते हैं। पर जैसे कि रिदा ने बताया कि वन टाइम वॉच होने वाली, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट जो है वो काफी पुराना है बॉलीवुड में, इसके ऊपर कई सारे मूवीज बन चुके हैं और अभी मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस ऐसे कंटेंट के ऊपर ज्यादा काम मतलब देखना चाहेगी। पर जैसे कि बताया कि अगर मूवी अच्छी होगी, अगर स्लैपस्टिक कॉमेडी कभी कभी काम कर जाती है तो मुझे लगता है कि ये मूवी अच्छा बिजनेस कर सकती है। और वैसे भी इंद्र कुमार जी ने ये स्लैपस्टिक कॉमेडी को इस्तेमाल किया है और वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। मस्ती कह लीजिए, मस्ती ऐसे टाइम में रिलीज हुई थी हमें नहीं लगा था कि मस्ती हिट हो, मस्ती कभी नहीं लगा था गाइस, क्योंकि मुझे लगा था कि वो एवरेज से भी कम बिजनेस होगी। रितेश देशमुख को नहीं जानते थे हम लोग और विवेक ओबरॉय इतनी अच्छी मूवी करने के बाद वो मस्ती में कम बैक कर रहे थे। आफ्ताब शिवसानी का वैसे भी थोड़ा करियर थोड़ा सा वीक था, तो हमें कभी किसी भी ऑडियंस को हम श्योर कभी नहीं लगा कि मस्ती इतनी बड़ी हिट होगी, उसके जाके उसके बाद उस मूवी का एक फ्रेंचाइजी बनेगा, फिर धमाल हिट होगी, धमाल का फ्रेंचाइजी बनेगा। सो द मूवीज आर एब्सोल्युटली ग्रेट विच इज डायरेक्टेड बाय इंद्र कुमार। उनकी कॉमेडी बहुत यूनिक होती है और बहुत ऑन योर फेस होती है और इमीडिएटली मतलब हंसी आएगी आपको देखने के बाद। सो इस मूवी के साथ हमें पॉजिटिव यू नो वाइब्स मिल रहे हैं। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू आवर यू नो चैनल एंड कम बैक टू आवर चैनल, कम बैक टू द वीडियो एंड कमेंट, शेयर योर आइडियाज, अपने रिव्यू हमें दीजिए, हमें बताइए कि हम कहाँ गलत गए कहाँ सही गए। आप जाइए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे इंस्टाग्राम ट्विटर और हमें जाके बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं और हमारे वीडियोज के बारे में हमें इन्फॉर्म कीजिए। एंड एट द सेम टाइम यू कैन गो अहेड एंड सपोर्ट अस बाय सपोर्टिंग आवर चैनल थ्रू सुपर थैंक्स, और हम लोग सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और टिल देन वी से जय हिंद।